Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean. फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मैं छोले कैसे बनाती हूँ, तो आज मैं आप सबके साथ छोले की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने घर के एक नन्हे मेहमान से मिलवाती हूँ, जो कि एकदम नन्हा सा है। तो चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। मिठू, क्या कर रहे हो? मिठू आ जाओ, आ जाओ मिठू। अरे 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 निकाल दिया। चलो ठीक है। फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का नन्ना मेहमान, इसको हम प्यार से मिठू बुलाते हैं। वैसे ये कॉमन है, सबके पैरेट का नाम मिठू ही होता है। बट इसका एक रीजन ये भी है कि मिठू बोलते हुए विनी बहुत प्यारी लगती है, इसलिए हमने इसका नाम मिठू ही छोड़ दिया। मिठू को खाना खाना है। मिठू को खाना खाएगा। मिठू काशी, खाना लेकर आओ। अभी गिरा दिया, खाओ। अब हमारा मिट्ठू हो गया है लगभग 15-20 दिन का, मतलब ये 7 अप्रैल को आया था और ये बिल्कुल एलियन जैसा था। मैं आपको इसकी तब की थोड़ी सी, एक मेरे पास क्लिप है, मैं इसकी तब की वीडियो दिखाती हूँ। खाओ मिट्ठू, खाओ और खिलाओ। हाँ, और खिलाओ। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन मिट्ठू आया था तो ये ऐसा था। खा रहा है मिट्ठू? फ्रेंड्स, ऐसे मिठू कहीं नहीं उतरता है। हम इसको उतारते हैं तो ये कहीं नहीं उतरेगा, लेकिन जैसे ही इसको इसका घर दिखेगा तो ये नीचे तुरंत उतर जाएगा। देखो, आओ मिठू, आओ। देखो, ये नहीं उतरेगा। छोड़ो। आओ मिठू, आओ। ये नहीं उतरेगा। बट जैसे इसको दिखेगा ना इसका घर, मतलब इसको इस बॉक्स में हमने रखा है, तो जैसे ही हम इसको उतारेंगे ये एकदम उतर जाएगा। छोड़ो बेटा, वो खुद उतर जाएगा। आओ मिट्टू, आओ। ये देखो। और अभी ये कॉर्नर में घुस जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे घर का नन्हा मेहमान, जिसे मैं आपके साथ मिलवाना चाहती थी। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि बाकी का काम हमें किचन में है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है हमारी छोले की रेसिपी। इसीलिए छोले मैंने पहले से एक रात के लिए भिगो दिए थे और मैंने उसके बाद इनको बॉईल कर लिया है। ये देखिए, छोले अच्छे से गल गए हैं। और अब मैं गैस पर एक पैन रख लेती हूँ और इस पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। एंड नाउ फ्रेंड्स, मुझे छोले ब्लैक कलर के अच्छे लगते हैं, मैं हल्दी वाले छोले नहीं खाती हूँ। तो मैं दूसरी गैस पर थोड़ा सा पानी रख लेती हूँ, जिसमें मैं चाय पत्ती को बॉईल करूँगी। और अब इसमें मैं लगभग एक चम्मच के अराउंड चाय पत्ती ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो चुका है गरम और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले, जैसे जीरा, काली मिर्च, लौंग, साबुत मिर्च और तेज पत्ता। मेरे पास थोड़ा सा ही था तो मैंने यही ऐड किया है। और दालचीनी का टुकड़ा और एक ही बड़ी इलायची, इन सब मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको चटकने दूंगी। इनको चटकने के बाद मैंने एक बड़ी प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब प्याज का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इनको हम अच्छे से भूनेंगे।
फ्रेंड्स जब हमारा पेस्ट ऑयल रिड्यूस करने लगे तब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं, अपने बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इनको चलाएं। फ्रेंड्स हल्दी का यूज़ मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, मुझे छोले ब्लैक बनाने हैं। और अब ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। मैंने 3 बड़े टमाटर का पेस्ट यहाँ पे बना लिया है। और इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल रिड्यूस ना कर दे। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड हमारा पानी भी ऑलमोस्ट हो चुका है जिसमें हमने चाय पत्ती को ऐड किया था। अब मैं इस पानी को इसमें छान लूंगी। और फ्रेंड्स जो ये मेरा वेस्टेज बचा है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको स्प्रे कर लेती हूँ। इसको मैं अपने प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है जो किचन वेस्टेज से निकलता है। देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी हो गई है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको चलाऊंगी और जब ये भी ऑयल रिड्यूस कर दे तब मैं इसमें अपने छोले ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें छोले ऐड कर रही हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं अपने छोले में बॉईल आने देती हूँ और इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए। बीच बीच में से एक दो बार चला दूंगी। और देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद हमारी छोले की रेसिपी हो गई है। पहले हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब हम इसे करते हैं सर्व। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक क्यों नहीं ऐड किया। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मैं नमक तभी छोले में डाल देती हूँ जब मैं छोले बॉईल करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये थी छोले की रेसिपी, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स घर का खाइए, हेल्दी खाइए, स्टे होम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।